एवरीवन, वेलकम वंस अगेन, दिस इज गौतम एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट चैनल गौतम लाइव ज्ञान। तो आज का हमारा वीडियो में टॉपिक है मटेरियल मोमेंट। मटेरियल मोमेंट को लेकर लोगों को बहुत सारी कंफ्यूजन है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए, इसलिए मैंने सोचा भाई इस पर एक डिटेल में वीडियो बना देते हैं। अब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, चाहे आप सिक्योरिटी गार्ड के इंटरव्यू ले जाए, आप सुपरवाइजर के लिए जाए या फिर आप सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए जाए, इससे जुड़े सवाल आपको पूछे ही जाने हैं। और इसके मैंने देखा है कितनी बार इंटरव्यू में सिक्योरिटी ऑफिसर लेवल के जो लोग होते हैं इसमें फंस जाते हैं और जवाब नहीं दे पाते, बाद में इंटरव्यूअर के मुंह से सुनना पड़ता है आप सिक्योरिटी ऑफिसर के लेवल के लिए आए हैं और आपको बेसिक मटेरियल मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं पता। तो आपको ऐसा कुछ नहीं सुनना पड़े, आप इंटरव्यू में सक्सेसफुल हो जाएं, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं आपको छोटे छोटे लेकिन मोटी मोटी हर बात बता दूंगा, और अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आपसे कोई क्वेश्चन किसी भी तरह से कैसे भी घुमा के पूछा जाए आप उसके जवाब के लिए रेडी रहेंगे, और इंटरव्यूअर की ये बोल नहीं पाएगा, बोलेगा वाह क्या बात है, आपको तो सब कुछ पता है। सामने भले ना बोले लेकिन मन ही मन जरूर बोलेगा। तो आइए देखते हैं एक एक चीज को। मैं आपको क्वेश्चन ही बताऊंगा, आंसर बताऊंगा और टॉपिक भी समझते जाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें आप देख रहे हैं, दो शब्द हैं मटेरियल और मूवमेंट। तो इस मटेरियल का मतलब क्या है और मूवमेंट का मतलब क्या है? तो मटेरियल का मतलब होता है वस्तु, मूवमेंट का मतलब होता है स्थानांतरण। तो इसमें क्या होता है, मटेरियल मूवमेंट में चीजें स्थान अपना बदलती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती हैं। जब भी चीजें आपके, इसमें क्या होगा कि प्रीमाइसेस में आपके वस्तु आएगी और आपके प्रीमाइसेस में वस्तु जाएगी। आप चाहे किसी भी प्रकार की साइट पे काम करो, आप कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करो, आप कॉर्पोरेट में काम करो, हॉस्पिटल में काम करो, मॉल में काम करो, कहीं भी किसी भी प्रकार की साइट पे आप काम करो, तो आपको ये मटेरियल मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसमें होगा ये कि आपका जो प्रीमाइसेस है उस प्रीमाइसेस से वस्तु एक तो आएगी और एक तो जाएगी, इसी को बोलते हैं मटेरियल मूवमेंट। अच्छा सर, मटेरियल मूवमेंट के टाइप कितने हैं? तो मटेरियल मूवमेंट के दो टाइप है। सबसे पहला टाइप है इनवर्ड, दूसरा है आउटवर्ड। सबसे पहले हम लोग इनवर्ड को समझेंगे। अब इनवर्ड में अब आपके पास देखेंगे ये शब्द पे ध्यान दीजिए, वर्ल्ड को आप भूल जाइए, सिर्फ इन पे ध्यान दीजिए। अब इसका इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब अंदर। तो इसमें क्या होगा, इनवर्ड में चीजें आपके प्रीमाइसेस में आएंगी, तो उसको हम लोग बोलेंगे इनवर्ड। तो पूछेंगे इनवर्ड मतलब क्या होता है, तो बोलने का कि सर इसमें मटेरियल जो होता है हमारे प्रीमाइसेस में आता है। एक क्वेश्चन और, मटेरियल मूवमेंट के कितने टाइप हैं? तो मटेरियल मूवमेंट के दो टाइप हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी इनवर्ड होगा तो इनवर्ड के अगेंस्ट हमेशा चालान जनरेट होता है या फिर जनरेट होता है बिल, और इसी को थोड़ा सा ऑफिशियल लैंग्वेज में बोलते हैं इनवॉइस। कॉर्पोरेट में ज्यादा इस्तेमाल होता है इनवॉइस, बिल लोकल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर यहां पे इस्तेमाल होता है इनवॉइस। तो इनवॉइस और बिल का मतलब एक ही होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। अच्छा, चालान और इनवॉइस में क्या फर्क होता है? तो चालान का मतलब क्या होता है कि एक डिलीवरी नोट है, मतलब चीजें आपके पास पहुंच गई है, इसका एक डॉक्यूमेंट है। अच्छा, चालान में और बिल में आप देखेंगे तो एक फर्क आपको और दिखेगा। चालान में क्या होता है कि जीएसटी इंक्लूड नहीं होता है, और यहां पर मटेरियल की प्राइस नहीं होती है, यहां पर मटेरियल का डिस्क्रिप्शन होता है और क्वांटिटी मेंशन होती है। जबकि बिल में क्या होता है, वहां पर मटेरियल क्वांटिटी और उसका रेट भी दिया होता है और इसमें जीएसटी भी इंक्लूड होती है। तो ये क्या है, एक डिलीवरी नोट है और एक बिल है, जहां पर रेट विथ जीएसटी वगैरह होता है, चालान में जीएसटी वगैरह नहीं लगता है। अब चालान कब जनरेट करते हैं, क्यों जनरेट करते हैं? तो चालान जनरेट करने का उपाय क्या है, अब इसकी वजह ये है फ्रेंड्स, होता ये है कि मान लीजिए एक वेंडर है, उसके बहुत सारे ऑर्डर आ गए हैं, अब बिल जनरेट करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है उसके लिए, ठीक है, या फिर रेट अभी तक उसको क्लियर नहीं है, तो वो क्या करता है, सामने वाले जो कंपनी ने उसको ऑर्डर दिया उससे बात करता है कि सर मैं चालान जनरेट कर दे रहा हूँ, आपको भेज दे रहा हूँ, आप रिसीव दे दीजिएगा, जो भी रेट रहेगा उसे आपको रेट से आपको चीज़ें मैं उस चालान के अगेंस्ट आपको इनवॉइस बना के दे दूंगा। तो इसलिए चालान जनरेट हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जब भी आपके प्रीमाइसेस में कोई वस्तु वगैरह आएगी तो आप
क्या करेंगे, उससे चालान बिल या फिर इनवॉइस का डिमांड करेंगे, क्योंकि इसे चालान बिल और इनवॉइस से आपको चीज़ें टैली करनी है। मान लीजिए आपके यहाँ बहुत सारे कारपेंटर की चीज़ें आ गई, इलेक्ट्रिकल आइटम वगैरह आ गए, आपको ऑफिस नया बन रहा हो, तो आप क्या करेंगे, बहुत सारे आपको वहाँ पे क्या करेंगे, चालान वगैरह आएंगे, तो चालान से आपको चीज़ें टैली करनी है एक एक करके। अगर चीज़ें प्रॉपर हैं तो उस पर आप इनवॉइस का स्टैम्प देंगे, टाइम लिखेंगे, डेट लिखेंगे और अपना साइन देंगे, और साथ में इन्फॉर्म कर देंगे अपने सुपीरियर को कि सर हमारे प्रमाइसेस में ये चीज़ें आई हैं और ये वेंडर है, उसके पास से ये चीज़ें आई है, मैंने इन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये आपको इन्फॉर्म करना है। अब आउटवर्ड मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो आउटवर्ड में चीज़ें क्या होंगी, बाहर जाएंगी, आपके प्रमाइसेस से वस्तुएँ बाहर जाने वाली हैं इसके अंदर। तो यहीं पे क्या होता है कि आपके प्रमाइसेस से जब कोई वस्तु जाती है तो उस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं आउटवर्ड मूवमेंट। दो तरह का मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड मूवमेंट। चीज़ें आपके प्रमाइसेस में जब आएंगी तो इनवर्ड मूवमेंट, जब चीज़ें आपके प्रमाइसेस से बाहर जाएंगी तो आउटवर्ड मूवमेंट। अच्छा, आउटवर्ड के अगेंस्ट हमेशा गेट पास जनरेट किया जाता है। तो जब भी आपके प्रमाइसेस से कोई वस्तु जाएगी तो गेट पास जनरेट होगा। यहां पर क्या जनरेट हो रहा था, चालान बिल या फिर इनवॉइस जनरेट कर रहे थे, और यहां पर हम लोग गेट पास जनरेट करते हैं। इनवर्ड में इनवर्ड नंबर हमको एंट्री करनी पड़ती है, आउटवर्ड में हम लोग गेट पास का नंबर लिखते हैं। तो ये एक बेसिक फर्क है इनवर्ड और आउटवर्ड में। इनवर्ड में चीजें आती हैं और आउटवर्ड चीजें बाहर जाती हैं। इनवर्ड के दो टाइप होते हैं, इनवर्ड के दो टाइप है। आप में से बहुत से लोगों ने सुना ही नहीं होगा कि इनवर्ड का वो टाइप होता है। और आउटवर्ड कितने टाइप है, आउटवर्ड के भी दो टाइप है। तो इनवर्ड के दो टाइप कौन से हैं, तो इनवर्ड के दो टाइप हैं, एक है रिटर्नेबल और दूसरा है नॉन रिटर्नेबल। आउटवर्ड के दो टाइप कौन से हैं, तो एक है रिटर्नेबल, दूसरा कौन सा है, नॉन रिटर्नेबल। एकदम सही बोला आपने। तो इनवर्ड का दो टाइप कौन कौन सा है, एक रिटर्नेबल है, नॉन रिटर्नेबल है। अब सर इनवर्ड में रिटर्नेबल नॉन रिटर्नेबल, समझाता हूं जरा धीरज धरो, सबर करो, ठीक है। देखिए क्या होता है कि आपकी प्रमाइसेस में कभी कभी क्या होता है कि कोई पार्टी या फिर फंक्शन हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहां पर तो वस्तुएं आती है। मान लीजिए आपके यहाँ पे कोई अनल फंक्शन वगैरह है, तो अब सारी चीज़ें तो आपके प्रमाइसेस में होंगी नहीं, तो सेटअप वगैरह मंगाते हैं ना, तो वहाँ पर टेम्प्रेरी बेसिस के लिए मटेरियल आपके प्रमाइसेस में आता है। मान लीजिए आपका कोई बहुत बड़ी कंपनी है, उसका एक ब्रांच इधर है, एक ब्रांच इधर है, तो यहाँ पर अभी बहुत सारा एक्स्ट्रा चेयर रखा हुआ है, ठीक है। अब ये नई ब्रांच खुल गई है, अब इस ब्रांच से इस ब्रांच में क्या करें, चेयर को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। तो ये अब कुछ समय के लिए हम लोग कर रहे हैं शिफ्ट, तो क्या होगा, ये जो चेयर यहां से यहां पे आई है वो कैसी है, रिटर्नेबल है। ये चेयर वापस जब यहां पर काम हो जाएगा तो इस चेयर को हम लोग यहां पर शिफ्ट कर देंगे। तो ऐसे ओकेजन के लिए हम लोग क्या करते हैं, रिटर्नेबल इनवर्ड एंट्री करते हैं, जब चीजें प्रमाइसेस में थोड़े समय के लिए हमारे यहां आती है। जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपका एक प्रमाइसेस ए और बी, अब बी में कुछ कारपेंटर का टूल वगैरह चाहिए, हमारे यहाँ जो कारपेंटर काम कर रहा है उसको कुल टूल चाहिए, तो क्या करेगा, इस प्रमाइसेस से वो टूल को उधार ले लेगा और यहाँ पर ले आएगा, ठीक है। तो इस यहाँ से जब वो टूल यहाँ पे आएगा बी विंग में, तो वह क्या होगा, इस टूल का इनवर्ड होगा, लेकिन इनवर्ड कैसा होगा, रिटर्नेबल इनवर्ड होगा, क्योंकि ये प्रमाइसेस में जैसे इस टूल का काम खत्म हो जाएगा, इस प्रमाइसेस से टूल वापस होके यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लोग क्या एंट्री करेंगे, रिटर्नेबल में उसका एंट्री करेंगे। अब नॉन रिटर्नेबल में फ्रेंड्स कौन सा होता है, तो नॉन रिटर्नेबल में आप देखते हैं आपके प्रमाइसेस में जो कुछ वस्तुएं आती हैं वो बाहर नहीं जाती। जैसे आपके मान लीजिए डेस्क, आपके यहाँ ऑफिस के लिए ऑफ वर्क स्टेशन के लिए डेस्क मंगाया गया, ठीक है, डोर मंगाया गया, नया डोर इंस्टॉल करना है,
ठीक है। अब देख कैफेटेरिया में देख लीजिए कोई टेबल वगैरह मंगाया गया है, ठीक है, स्टेशनरी आइटम कुछ मंगाया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए आपके प्रमाइसिस में, देखिए हाउसकीपिंग का रिलेटेड कुछ सामान मंगाया है, जैसे R1 केमिकल, R2 केमिकल, टिश्यू पेपर, फिर उसका टॉयलेट पेपर, ये चीज़ आपके प्रमाइसिस में आती है ना। नॉर्मली आपने देखा होगा स्टेशनरी या टिश्यू टॉयलेट पेपर आता है, ये आपके प्रमाइसिस में आता है और ये आपके प्रमाइसिस में इस्तेमाल होने के लिए आता है। तो ये इसका इनोट हम लोग जब करेंगे तो ये इनोट कैसा होगा, नॉन रिटर्नेबल होगा। ये जो प्रिमाइस वस्तु हमारे प्रिमाइसेस में आई है ये वापस नहीं आएंगी। डेस्क आया है, डेस्क परमानेंट बेसिस पे हमारे यहाँ पे रहेगा और हमारे एम्प्लॉय उस पर काम करेंगे। डोर आ गया, डोर इस्तेमाल होगा, टेबल आ गया, टेबल इस्तेमाल होगा, स्टेशनरी या स्टेशनरी इस्तेमाल होगा, एचके का जो सामान है, हाउसकीपिंग का जो सामान आ हुआ है, केमिकल वगैरह है हमारे यहाँ पे इस्तेमाल होगा, टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे प्रिमाइसेस में आती हैं जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, या हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। तो रिटर्नेबल में हम लोग चीज़ें यूज़ के लिए मंगाते हैं और हम नॉन रिटर्नेबल में हम लोग चीज़ें कंज्यूम करने के लिए मंगाते हैं, तो ये चीज़ें वापस नहीं जाती है। तो कोई पूछेगा रिटर्नेबल में हम लोग क्या करते हैं, तो रिटर्नेबल में चीज़ों को यूज़ करते हैं, नॉन रिटर्नेबल हम चीज़ों को कंज्यूम करते हैं, तो चीज़ें वापस नहीं जाती हैं। तो इस तरह आपकी देखेंगे इनवर्ट के दो टाइप हो गए, रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल। रजिस्टर बनाते हैं हम लोग क्या बनाते हैं, इसके लिए हम लोग रजिस्टर बनाते हैं इनवर्ट बट रिटर्नेबल, और इसके लिए रजिस्टर बनाते हैं इनवर्ड बट नॉन रिटर्नेबल। तो दो टाइप रजिस्टर बनते हैं, इनवर्ड बट रिटर्नेबल, इनवर्ड बट नॉन रिटर्नेबल। जहां चीजें कंज्यूम होंगी इनवर्ड बट नॉन रिटर्नेबल रजिस्टर बनेगा, और यहां पर जहां चीजें यूज होंगी वहां इनवर्ड बट रिटर्नेबल का आपका रजिस्टर बनेगा। आउटवर्ड के भी दो प्रकार है, रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल। अब दिमाग में एक चीज हम लोग के ठनक रही हुई, समझ में नहीं आ रहा होगा, यार आउटवर्ड क्यों होती चीजें, हमारे भी चीजें हमारे प्रिमाइसिस से बाहर क्यों जा रही हैं, तब केस बनते हैं फ्रेंड्स। अब मान लीजिए आपके यहाँ प्रिमाइसिस में बहुत सारे AC इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अब AC खराब हो गए, उसको जगह पे फिक्स करना पॉसिबल नहीं है, तो वेंडर क्या करेगा, AC को अपने वर्कशॉप में लेके जाएगा। आपके प्रिमाइसिस में कंप्यूटर है, कंप्यूटर जगह पे फिक्स नहीं हो पा रहा है, तब उस कंप्यूटर को वो क्या करेगा, वर्कशॉप में लेके जाएगा। आपके यहाँ कोई फैन वगैरह है, फैन खराब हो गया है, ठीक है, अब उसको आपको रिपेयर करने के लिए बाहर भेजना तो पड़ेगा ही, तो इसीलिए वस्तुएं बाहर जाती है। एक और केस बनता है ट्रांसफर का, आपकी एक ब्रांच इस यहाँ पर है, एक ब्रांच दूसरी जगह पर है, और उस ब्रांच पर कुछ चीज़ों की कमी है और आपके यहाँ उस चीज़ों की जो सप्लाई है एक्सेस है, मतलब ज़्यादा है आपके पास, तो क्या करेंगे, यहाँ से चीज़ें आप ट्रांसफर करेंगे वहाँ पर, तब भी आउटवर्ड का केस बनता है। तो इसीलिए हम लोग आउटवर्ड की एंट्री वगैरह करते हैं। तो आउटवर्ड दो तरह के होते हैं, रिटर्नेबल और नॉन रिटर्नेबल। जब भी रिटर्नेबल होगा तो हम लोग रिटर्नेबल गेट पास ड्रॉ करेंगे। कौन सा गेट पास ड्रॉ करेंगे, रिटर्नेबल गेट पास। और जब वस्तु वापस नहीं आएगी, ऐसा कोई केस वगैरह बन रहा है जैसे ट्रांसफर का केस हो गया, स्क्रैप वाला केस हो गया, दो केस होते हैं, स्क्रैप का और ट्रांसफर का केस होते हैं, जहां पर वस्तुएं नहीं आती। स्क्रैप मतलब चीज़ें भंगार हो गई, आपने वेंडर को बेच दिया, अब वो चीज़ें वापस आने वाली नहीं है, आपको उसके बिहाफ आपके पैसे मिल गए हैं, ठीक है। और ट्रांसफर मतलब फिक्स ट्रांसफर हो गए, अब वो चीज़ यहां पर नहीं आने वाली है, उस केस में भी नॉन रिटर्नेबल गेट पास ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो नॉन रिटर्नेबल के लिए हम लोग क्या करेंगे, नॉन रिटर्नेबल गेट पास ड्रॉ करेंगे, गेट पास। अच्छा, गेट पास को लेकर भी, इसके टाइप को भी लेकर लोगों को बहुत कंफ्यूजन है, गेट पास से कितने टाइप है। तो फ्रेंड्स गेट पास के दो ही टाइप है, एक है रिटर्नेबल और दूसरा है नॉन रिटर्नेबल। बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं गेट पास के टाइप को लेकर, क्योंकि वो पास और गेट पास को मर्ज कर देते हैं। गेट पास अलग चीज़ है और पास अलग चीज़ है। इसके रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका हूँ, एंड स्क्रीन में आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, तो आप उसको देख लीजिएगा और अपनी कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिएगा, और इस सारे कन्फ्यूजन दूर करके ही फिर इंटरव्यू में जाइएगा, और मेरा दावा है कि आप पास हो जाएंगे, वो भी अच्छे नंबरों से।
तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में कुछ आपको सुझाव देना है, कुछ सलाह देनी है, कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट कीजिए, मैं आपको वहाँ पर उसके जवाब दूंगा। और नहीं पॉसिबल हुआ तो आपके लिए फिर से एक वीडियो बना कर दे दूंगा डिटेल में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।